गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में से हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर में हम मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात नर मादा युग्मपद्भेद का निर्माण कैसे होता है और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने प्रीवियस चैप्टर से इसके लिंक की अगर हम बात करें तो हमने एंजियोस्पर्म में फ्लावर के बारे में पढ़ा था और मेरे द्वारा आपको फ्लावर डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में अगर हम बात करें तो फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट कहा गया था। मॉडिफाइड शूट एक रूपांतरित प्ररोह माना गया है। इस रूपांतरित प्ररोह में अगर हम बात करें तो यहां पर अलग अलग पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। अर्थात इस प्ररोह में अनेक पर्व एवं पर्व संधियां हैं। ये जो भाग है जहां पर इसके पर्व एवं पर्व संधियां बहुत रेड्यूस हो चुके हैं, रेड्यूस का मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। हमने देखा था कि यहां पर अनेक इस प्रकार के भाग इसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, जिसको हमने डिस्क्राइब किया था। इस प्रकार का भाग भी पाया जाता है, ऐसा भाग भी पाया जाता है। मैंने बताया था कि यहां पर बाहर से लेकर के इस फ्लावर जिस भाग पर लगा हुआ रहता है यह शूट है, जिसको हम पुष्प वृत्त कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? पुष्प वृत्त। इस पुष्प वृत्त के बाद यहां वाला जो भाग था जिस पर इस फ्लावर के सारे के सारे साइकिल्स चक्र व्यवस्थित पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सूक्ष्म मात्रा में यहां पर संगठित रूप से यहां पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, जिसको हमने नाम दिया था और उसको आपने कहा था पुष्पासन या उसको हमने थैलेमस नाम दिया था। इसके बाद हरे कलर के कुछ भाग इस प्रकार के फ्लावर के सबसे बाहर वाले भाग में पाए जाते हैं, जिसको हमने कैलिक्स कहा था। क्या नाम दिया था? कैलिक्स। और कैलिक्स या इसको हम कहते हैं बाह्य दल कुंज, नाम रखा था बाह्य दल कुंज। या इसका जो सिंगल मेंबर होता है, अकेला जो सदस्य होता है, उसे बाह्य दल कहा जाता है। और बाह्य दल को हम सेपल नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। इसके बाद वाला फ्लावर का जो साइकिल्स माना गया है, जो कलरफुल होता है, इसी के कलरफुल होने के कारण मनुष्य, दूसरे जीव जंतु, बामरे, ये सभी इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम फ्लावर में सबसे ज्यादा जो प्रेस करते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, वो इसी पेटल्स के कारण होती है। तो इसको हम समस्त भाग को, पूरे चक्र को हम कोरोला कहते हैं और कोरोला या दलपुंज कहा जाता है। इस दलपुंज के हर एक मेंबर को हम दल कहते हैं या उसे हम पेटल कहते हैं। समझिए मेरी बात, इसे क्या कहा गया है? पेटल्स। इसके बाद वाला ये जो भाग आपको छोटे से तंतु के रूप में जुड़ा हुआ भाग पाया जाता है, इसको हम संपूर्ण रूप से इसको पुंकेसर कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? पुंकेसर। और इस पुंकेसर के एक भाग को, जो कि इस पुंकेसर में समस्त ऐसे छोटे छोटे से भाग पाए जाएंगे, तो इस पुंकेसर को पुंकेसर या एंड्रोसियम, इनका नाम रखा गया है एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के हर एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उमंग। उमंग कहा जाता है। ये इसका मेल पार्ट माना गया है। फ्लावर के जो मेल पार्ट है वो ये है, पुंकेसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कितने भागों से मिलकर बना होता है, ये अभी हम थोड़ा
थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इससे अलावा मैं इसके फीमेल पार्ट की बात करता हूँ, ये जो कि फीमेल का सबसे फ्लावर का सबसे टॉप वाला भाग होता है, जिसे हमने स्टिग्मा कहा था या इसे हमने स्टाइल कहा था, सॉरी इसे हमने वर्टिकागर कहा था। वर्टिकागर नाम देखा आपने, वर्टिकागर। इसके बाद ये लंबा सा एक ट्यूब लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हमने क्या कहा था, स्टाइल कहा था, और इसे हम वर्टिका भी कहते हैं, वर्टिका। और इसके बाद ये नीचे वाला भाग जो अत्यधिक फूला हुआ भाग पाया जाता है, जो स्वर्ण भाग पाया जाता है इस फ्लावर का, इसे हम क्या कहते हैं, हाँ इसे हम ओवली कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और इस अंडाशय के भीतर जहां पर बीजों का निर्माण होता है, क्योंकि अंडाशय की ये जो वॉल है ये तो डेवलप होकर के किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवरी मैच्योर्स एंड कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स, तो वह मैच्योर होकर के परिपक्व होकर के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और बचा हुआ जो ये भाग है जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, तो इसे हम ओव्यूल या इसे हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड या इसे हम ओव्यूल कहते हैं। बच्चों अब आप समझे होंगे कि ये समस्त भाग जो मैंने यहां पर स्टाइल या स्टिग्मा से लेकर के ओव्यूल तक आपको बताया है, ये इसका क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग, या इसे हम कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम। ये जो गाइनोसियम होता है, ये गाइनोसियम इसका कौन सा भाग कहलाता है, मादा या फीमेल भाग कहलाता है, फीमेल पार्ट कहलाता है। आप समझ गए होंगे, किसी भी एंजियोस्पर्म में फ्लावर स्ट्रक्चर जो टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में चार चक्र पाए जाते हैं। इन चार में से दो चक्र कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने के कारण इन्हें हमने क्या कहा, इनको हमने क्या कहा था, सहायक चक्र कहा था। इनका नाम क्या कहा था, सहायक चक्र, या इसे हमने कहा था एसेसरी, एसेसरी रोज। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात मेल भाग और फीमेल भाग, जो फ्लावर में रिप्रोडक्शंस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, नए प्लांट प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सीड के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे चक्र को हमने क्या कहा था, जनन चक्र कहा था, या उनको हमने कहा था रिप्रोडक्टिव क्रोस। आगे का समय, तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडिफाइड शूट। हमने इस मॉडिफाइड शूट में सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं। हमारे पास मेल गैमेटोफाइट्स में हमारे पास कौन सा भाग आएगा, ये आएगा एंड्रोसियम वाला पार्ट, जिसमें स्टेमन आएगा, उमंग आएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। यहां पर हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोशिकी का संरचना और उनका विकास। नर युग्मकोशिकी, युग्मकोशिकी नाम आ रहा है, देखिए युग्मकोशिकी का की संरचना एवं विकास हम मेल पार्ट की ही अभी हम बात करेंगे। यह मेल पार्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम्स। हम बात करते हैं स्टेमन्स। पहला
इसका टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टेमन। स्टेमन किसे कहा गया? स्टेमन पुंकेसर, नाम स्पष्ट है पुंकेसर। हम पुंकेसर की बात करें और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें पाया जाने वाला माइक्रोस्कोलोजियम क्या है, लघु बीजाणु धानी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर। इसको हम क्योंकि इसमें पराग कणों का निर्माण होता है, निर्माण होने के कारण इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, या इसको लघु बीजाणु पर्ण भी कहा गया है। लघु बीजाणु पर्ण, इसका नाम क्या रखा गया है? लघु बीजाणु पर्ण। हम यहां पर बात करना चाहते हैं कि स्टेमन जो है होता क्या है। मैं आपको एक डायग्रामेटिकली आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए, आपने कभी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा ऐसा, और उसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा भाग, तो ये वाला भाग यहां पर इस तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसा जो भाग जुड़ा हुआ है ये मेन भाग है। इस मेन भाग में आपको बाइक इस तरह का दो भाग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये है, इनमें ये वाला जो भाग कहलाता है ये मेटेनोफाइट, ये स्टेमन है, ये पुंकेसर है। ये पुंकेसर तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग ये। इसको हम फिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट, या इसको हम तंतु कहते हैं। इसका नाम रखा गया तंतु। इसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं या संयोजी कहते हैं। क्या नाम रखा गया है? संयोजी, या इसे कनेक्टिव्स कहते हैं। और इन को जिनको जोड़ने का काम करता है उससे हम पराग कोश कहते हैं, और पराग कोश या पोलन से कहा जाता है। अर्थात यही एक ऐसे भाग है जिनके बीच इसका निर्माण होगा। हाँ, पराग कणों का निर्माण होता है, इनके बीच पराग कणों का निर्माण हो जाता है तो पराग कण युक्त स्ट्रक्चर्स बन जाएगी और अनेक छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, छोटे छोटे पराग कण बनेंगे। इसी कारण इसका नाम हमने लघु बीजाणु पर्ण या उसका नाम माइक्रोस्पोरोफिल रखा है। क्या नाम रखा गया है? माइक्रोस्पोरोफिल, या उसका नाम रखा गया है लघु बीजाणु पर्ण। अब हम बात करते हैं कि ये लघु बीजाणु पर्ण या पराग कोष होता कैसा। बच्चों, कुछ जगह आपने देखा होगा इस तरह का भाग आपको दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। अगर उसका सेक्शन काटा जाए तो इस प्रकार से दिखाई देता है। अर्थात वो हमारे को ऊपर से अगर हम उसका टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शंस काटते हैं, तो हमारे को इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि यहां पर इसके द्वारा फिलामेंट्स के द्वारा जुड़ा। ये पराग कोश है जिनको जोड़ने का काम यहां पर किसके द्वारा किया गया है? कनेक्टिव्स के द्वारा किया गया है। ये कनेक्टिव्स हैं जो इनको जोड़ने का काम करता है। इस ही पराग कोश में हर एक भाग में दो इस प्रकार की लॉब्स पाई जाती हैं। ये जो लॉब होती है इनको हम परागफाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन लॉब्स भी कह सकते हैं, या इसका नाम रखा गया परागफाली, पोलन लॉब्स। अर्थात हर एक पराग कोश में पराग फाली पाई जाती है। तो एक इस प्रकार के स्टैमन में, एक पुंकेसर में हमारे पालियों की संख्या कितनी हो गई? चार हो गई। जबकि चार हो गई तो इन्हीं ही भागों के बीच में यहां छोटे छोटे हल्के से छोटे छोटे मेल कैविट्स का निर्माण होगा, और वो मेल कैविट्स का निर्माण हो जाएगा तो ये कंप्लीट उससे भरी हुई पाई जाएगी। ये छोटे छोटे मेल कैविट्स वाला जो भाग जिसका निर्माण हो जाता है, इन भागों को ही हम क्या कहते हैं? पराग कण। इनका ही नाम क्या रखा गया है?
परागकण या इसी को कहा जाता है पोलन ग्रेन। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा स्टेमन और स्टेमन का स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स में कहां पर इन छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स या छोटे छोटे लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो ये पराग कोष वाला जो भाग है लघु बीजाणु पर्ण कहलाता है। अब हम डेवलपमेंट की बात करें कि किस प्रकार से इन लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। तो हम यहां पर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। देखिए यहां पर देखिए आप डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, मैं रख कर रहा हूं इसको, हर एक चीज को यहां पर लगातार नहीं। देखिए आप एक एक चीज को मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए, निश्चित है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल अर्थात पराग कोष जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जब पराग कोष का विकास होता है तो उसमें सर्वप्रथम उसकी भित्ति इस प्रकार से कनेक्टिव से जुड़ी हुई पाई जाती है, अर्थात ये वाला पोर्शन इस तरह से जुड़ा हुआ पाया जाता है। मैं आपसे इस तरह से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम यहां पर डेवलपमेंट के दौरान जब परागकणों का निर्माण हो तो उसमें यह देखा गया है कि एक सबसे बाहर वाली ये जो सेल की परत पाई जाती है जिसको हम एपिडर्मिस सेल्स कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? एपिडर्मिस सेल। अभी तक इनके अंदर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं है, किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं है। ये इस प्रकार का जो भाग पाया जाएगा ये इस प्रकार का, यहां भी आपको कनेक्टिव सेल्स मिलेगी ये इस प्रकार का, और ये सबसे बाहर वाली जो बात होगी ये क्या कहलाएगी एपिडर्मिस सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स। ये जो एपिडर्मिस सेल्स हैं, माना कि मैं यहां पर आपको डायग्रामेटिकली अलग से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। माना कि ये सेल्स हैं जो एपिडर्मिस सेल्स हैं जो काफी डेवलप होती है। इसका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, पराग कोष का जब निर्माण हो रहा होता है, उसी दौरान इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। इसमें इस प्रकार का विभाजन होता है कि ऐसा विभाजन शुरू हो जाता है। ये इस प्रकार के विभाजन को अपन परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिविजन्स कहते हैं। इसको हम परिणत विभाजन या इसको हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिविजन। क्या नाम रखा गया है? परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिविजन। ऐसा विभाजन होने के बाद एक सेल बाहर वाली होगी जो अलग होगी, एक सेल अंदर वाली जो होगी वो अलग होगी। परिणत विभाजन के बाद प्राइमरी पैराइटल सेल्स बन गए और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बन गए। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स, इसका नाम रखा गया है प्राइमरी पैराइटल्स, प्राइमरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका पैराइटल्स सेल, और ये हो गई हमारे पास प्राइमरी, इसका नाम रखा गया है स्पोरोजिनस सेल्स प्राइमरी। स्पोरोजिनस सेल्स। अब देखिए दो प्रकार की सेल्स बन गई, इन दोनों ही सेल्स पर भविष्य निश्चित है। किसका? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो सेल्स है ये डेवलपमेंट होगी, इसमें अनेक विभाजन होंगे,
ये भीतर की तरफ अर्थात अंदर की तरफ डेवलपमेंट करेगी, इसमें विभाजन होंगे, ये बाहर की सतह का निर्माण करेगी। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, भित्तीय कोशिका है, परिधि का पेरिमीटर का फॉर्मेशन करती है, अर्थात ये जो सेल्स है एपिडर्मल सेल्स, उसमें डिवीजन हो गया और डिवीजन इस प्रकार से पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ कि इससे दो प्रकार की सेल्स बन गए। बाहर वाली सेल्स प्राइमरी पेराइटल सेल है और अंदर वाली जो सेल्स बनी वो हमारी कौन सी सेल्स है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। समझ लिया इसी बात को मैंने डिवीजन के फॉर्म में यहां पर आपको बताया। अर्थात इस प्रकार की बनने वाली फर्स्ट सेल्स जो डिवीजन के लिए थी, इस सेल्स को हमने प्रपसु कोशिका नाम दिया था, या इसे हम आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं, प्रपसु कोशिका, या इसका नाम रखा गया है आर्किस्पोरियस, आर्किस्पोरियल सेल। अर्थात यही कोशिका है जो इस प्रकार से डिवीजन के लिए पार्टिसिपेट करती है। फिर हम बात करते हैं कि यह अंदर वाली जो बनने वाली जो सेल्स है वो डिवीजन होगा, इसका लगातार डिवीजन होता जाएगा और इसके लगातार डिवीजन से अनेक प्रकार की सेल्स बनेगी। एक सेल्स के लिए अलग बनेगी, दूसरी अलग बनेगी, तीसरी अलग बनेगी, चौथी अलग बनेगी, तो अनेक सेल्स की यहाँ पर लेयर्स बन जाती हैं। इन लेयर्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये चार ही लेयर्स अलग अलग प्रकार की, क्योंकि ये सेल्स को बनाएगी, उसकी परागकोश की भित्ति का निर्माण करेगी, उसकी बाहर वाली कवरिंग का निर्माण करेगी, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स वापस डिवाइड होगी और डिवाइड होकर के इससे चार प्रकार के पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले इस एंथर की क्या बनेगी, वाल बनेगी, इसकी दीवार बनाने वाली सेल्स होगी। दूसरी हम बात करें तो इसके बाद इसका जो भाग है एपिडर्मिस बनाने का काम करेगी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बनाने का काम करेगी। और तीसरी जो पाई जाएगी वो एंडोथीसियम का काम करेगी, एंडोथीसियम का काम करेगी। और चौथी जो होगी वह डेवलपिंग होने वाले जो छोटे छोटे डेवलपिंग होने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उनको न्यूट्रिशंस प्रदान करने का काम करेगी। तो ऐसा जो भाग पाया जाएगा उससे हम पेरिटम नाम देंगे। तो बच्चों आज ये चार प्रकार के पार्ट जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्क्राइब करेंगे कि ये पार्ट किस प्रकार से बनने वाले पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट को अच्छी तरह से आपको क्लेरिफिकेशन करते हैं। इस टॉपिक को मेरे साथ आपसे निवेदन है, बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।